गुजरात में आगामी पांच दिवस सामान्य वरसाद की आगाही करवामां आवी छे। वादळछाया वातावरण वच्चे रहेशे छूटो छवायो वरसाद। सौराष्ट्र में अने आसपासना विस्तारों में छूटो छवायो वरसाद रही शके छे। साथे अमदावाद अने गांधीनगर में पण छूटा छवाया वरसाद की आगाही करवामां आवी छे। अरबी समुद्र में भेज आववाना कारणे वरसादी वातावरण सर्जाशे। दरियाकांठा विस्तार में भारे पवन साथ वरसाद की संभावना छे। आवतीकाले माछीमारोने दरियो न खेडवा माटे सूचना आपवामां आवी छे। गुजराती स्टेट में जो है नॉर्थ गुजरात और साउथ गुजरात एरिया में जो है हल्की फुल्की जो है बारिश देखी जा सकती है अगले 24 घंटे के अंदर, और सौराष्ट्र में और कच्छ रीजन में जो है गुजरात रीजन के मुकाबले थोड़ी कम बारिश होने की संभावना है। उसके बाद सेम सिचुएशन रहेगी अगले दो दिनों तक, जिसमें लाइट रेनी नॉर्थ गुजरात और साउथ गुजरात के हिस्सों में जो है होने की संभावना है। चौथे दिन से जो है काफ़ी रिडक्शन हो जाएगा रेनफॉल में, जिसमें से सिर्फ साउथ गुजरात में ही रेनफॉल या फिर साउथ सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में जो है लाइट रेन होने की संभावना है। कोस्टल रीजन के लिए अभी जो है सिर्फ डे टू के लिए जो है हमने कोस्टल वार्निंग दी है, जिसमें विंड स्पीड 45 to 55 गस्टिंग टू 65 रहने की संभावना है, जो कि सिर्फ नॉर्थ गुजरात कोस्ट के लिए दी गई है।